झंझौर शिव शक्ति कॉलोनी के स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में पानी की निकासी के लिए बनाए गए नाले के बीचों बीच से सीवरेज की लाइन डाली गई है, जिसको लेकर जब भी बरसात होती है तो उस नाले से गंदा पानी ओवरफ्लो होने लगता है और नाले के पानी से गंदगी ऊपर से बहकर आ जाती है। नाले के बीचों बीच डाली सीवरेज पाइपलाइन के कारण वहीं पर गंदगी फंस जाती है व चारों तरफ गंदगी का आलम बन जाता है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लोगों में दीपक सिंह, राजेंद्र गोड़ आदि ने बताया कि पानी आने की वजह से वहां पर दो पेड़ हैं जो पानी की मार से उनकी जड़ें पूरी तरह से खोखली हो चुकी हैं और वह कभी भी गिर सकते हैं, जिसकी वजह से भी कोई हादसा हो सकता है। लोगों ने बताया कि वह निरंतर प्रशासन व विभाग से पेड़ों को कटवाने की मांग कर चुके हैं पर कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। शायद विभाग किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। लोगों ने कहा कि नाले के अंदर से सीवरेज की पाइपलाइन जा रही है और ऊपर से पुलिया बनी हुई है, जिस वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है और बरसात के मौसम में लोगों के घरों में गंदगी से भरा पानी घुसने लगता है, जिस वजह से लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। उन्होंने कहा कि रविवार को रात्रि के समय हुई भारी बरसात के कारण वे लोग अपने घरों के बाहर सारी रात खड़े रहे कि पानी घरों के अंदर ना चला जाए और बरसात के बाद इतनी गंदगी वहां पर इकट्ठी हो जाती है कि कोई भी बीमारी फैल सकती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को उनकी मांग की ओर गौर करनी चाहिए और उनकी समस्या का स्थायी रूप से समाधान करवाना चाहिए। मेरा नाम दीपक सिंह है जी। कौन सी कॉलोनी है ये? शिव शक्ति कॉलोनी है सर। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जी, यहाँ पे जो सीवर की लाइन डली हुई है, नाले के बीचों बीच डली हुई है, जिसके कारण ना यहाँ पे पानी ओवरफ्लो हो जाता है और बाढ़ में सारा जो कूड़ा कबाड़ा यहाँ अटक जाता है, जिसके कारण यहाँ पे पेड़ की जड़ जो है खोखली हो चुकी है। मैं पूरे एक साल से चक्कर मार रहा हूँ, कभी नगर पालिका में, कभी वन विभाग में, लेकिन वहाँ कहीं भी सुनवाई नहीं है। मैं सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट डाल चुका हूँ, एसडीएम साहब के पास भी जा चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस बार पे। तो क्या पानी हर साल आता है ये? हाँ जी, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। जब से ये पुल बना है, इसके बीच में सीवर लाइन डली है, तब से यही हाल होता है। अब कल की बारिश में भी यही हाल हुआ है। बहुत दिक्कत आई कि ये नाला में ना पाइप डाला ये शिखर का, उससे अटक जाता पेड़ अटक जाता तो पानी सारा हमारा गड़बड़ जाता पानी। बहुत परेशानी है, हम बहुत परेशानी। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? कोई एक नहीं कर रहा। साल हो गया पेड़ को कि भाई पेड़ काट दो, मान ही रहे। एक साल हो गया, साल से ऊपर हो गया। हम तो बहुत दुखी, मान ही नहीं रहे कोई हमारी है। हम झूठ बोल रहे, देख लो, हम झूठ थोड़े बोल रहे, देख लो है। सारी रात हम सोच भी नहीं रहे, गेट पर खड़े थे ऐसे। नाम राजेंद्र गौड़ है, मैं इस कॉलोनी में सन 86 से हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम कई बार सारे प्रशासन को बोल के देख लिया, अप्लीकेशन देख ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये हमारे मंदिर का भी और ये इसका नाला रुक जाता कई बार और हम बहुत दुख परेशान होते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, आज एम के भाई साहब ने जैसे बताया कि भाई हमने आगे भी अप्लीकेशन दे ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये कहना चाहता हूँ, शिव शक्ति कॉलोनी में जो नाला आता है, इस नाले में बहुत दिक्कत है। जब से ये सीवरेज का पाइप पड़ा है, तब से नाले में ब्लॉकेज होती है और पानी ओवरफ्लो हो जाता है, घरों में चला जाता है। पब्लिक बड़ी परेशान हो जाती है। प्रशासन को कई बार कार्रवाई के लिए बोला गया है, परंतु कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारी प्रार्थना है प्रशासन से, इसमें कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द ठीक किया जाए।